हाय एवरीवन, आई एम मीतू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आप आज सोच रहे होंगे ये क्या दिखा रही है। ये देखिए, ये मलेशियन डांस है यहाँ का। ये जब रमादान शुरू हुए थे ना, इनके हरीरा बोलते हैं इन लोगों को, इनका जब रमादान शुरू होता है यहाँ पर हरीरा बोलते हैं, तो ये ना इस तरह का डांस होता है। मैं 2 साल पहले जब गई थी तो मैंने एक मॉल में देखा था, इस तरह से वहाँ पे डांस कर रहे थे और ये बहुत खूबसूरत गाना था। हालांकि हम लोगों को समझ नहीं आएगा वो गाना, सिर्फ मले लोगों को ही समझ में, या फिर जो मलाई जानते हैं उन लोगों को समझ में आएगा, बिकॉज़ आई डोंट नो मलाई लैंग्वेज। सो ये मले लैंग्वेज में कोई सॉन्ग है, लेकिन है जो भी कुछ है बहुत प्यारा, जो मुझे बहुत सच में अच्छा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। और मुझे ये मैं अपने पुराने फ़ोन में ये वीडियो मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और ये बहुत अच्छा सॉन्ग था, मे बी मैं इसे इंस्टाग्राम पे भी डाल दूं, जिस पे आपको इसका म्यूज़िक भी सुनने को मिले। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं इसका म्यूज़िक तो मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहाँ जाके सुन सकते हैं। बट जो भी है, बहुत प्यारा लग रहा था और ये बहुत अच्छे लग रहे थे नाचते हुए। देखिए, हर देश का ना अपना अपना एक कल्चर होता है, हर अपनी संस्कृति होती है। ये अपनी फॉलो कर रहे हैं, हम अपनी फॉलो करते हैं, बट जो भी है, जैसे भी है, सब अच्छा है, सब अपने में खुश रहिएगा। और ये देखिए कितनी प्यारी डेकोरेशन भी हो रही है। काफ़ी क्लिप है मेरे पास। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और घरों में सुरक्षित होंगे। कैसे चल रहे हैं आपके दिन? मेरे तो ठीक ठाक ही चल रहे हैं, वही पूरा दिन काम, घर का और बच्चों को संभालना, बिकॉज लॉकडाउन में मेट्स भी नहीं आ रहे हैं। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही लाजवाब भरवा करेले की रेसिपी। और करेले जो है ना, बहुत तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, हर हफ्ते जब भी मेरे घर में करेला बनता है तो डिफरेंट स्टाइल में बनाती हूँ। और हर बार मैं ये सोचती हूँ कि कुछ अच्छा ट्राई करूँ, तो उसी वजह से आज मैं कुछ नया ट्राई करूँगी जो मैं आपको शो करूँगी। तो चलते हैं, कैसे बनाते हैं देखते हैं रेसिपी मेरी विजिट में। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो के आसपास करेला, बिकॉज मेरे 1 हफ्ते के लिए डन है। ये लिया है मैंने कुछ 1/2 किलो से ज़्यादा का प्याज, 1 अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी सौंफ और कुछ रेगुलर मसाले और ऑयल। इससे ज़्यादा मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली। देखिए, मैं इसका हेड और टेल ना कट कर लूँगी और इसको मैं पील नहीं करूँगी, इसको बीच में से कट करके सारे बीज निकाल लूँगी और सारे करेले में इसी तरह से कट कर लूँगी, सिर्फ बीच में से चीरा लगाना है। अब इसके लिए लिया है मैंने कढ़ाई और उसमें 3 से 4 चम्मच के आसपास मैं ऑयल डालूँगी, ये देखिए। और अब मैं इसमें सारे करेले, जैसे ही मेरा ऑयल हीट होगा ना, मैं इस पर डाल दूँगी। ये मैं देखिए बीच में से मैंने कट किया है और सारे बीज इनके निकाल लिए हैं, ये देखिए। ये करेला थोड़ा आधा ख़राब था, वो मैंने फेंक दिया, फिर उसका छोटा ही टुकड़ा बचा हुआ है, ये देखिए। अब जैसे ही मेरा ऑयल हीट होगा ना, अब मैं इसमें सारे करेले डाल दूँगी। मुझे ये इनके हल्के से ना इनको फ्राई करना है, इनको डीप फ्राई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इनको हल्का फ्राई करना है। ऊपर से भी मैंने 1.5 चम्मच और ऑयल डाल दिया था। इसके लिए मैंने प्याज ले लिया है और इनको रफली चॉप कर लूँगी मैं, ये देखिए। अब मैं इसको चॉपर की हेल्प से ना इनको बारीक कट कर लूँगी। पहले ज़माने में कितना मुश्किल हुआ करता था ना, जब करेले बनाते थे हम लोग, कितना सारा प्याज काटना पड़ता था, लेकिन अब बहुत आसान हो गया हर चीज़ में। अब ये करेले मैं बीच बीच में चला के देख रही हूँ, ये देखिए। अब इन्हें ना हमें 80% तक इन्हें चलाना है, मतलब पूरा नहीं गलाना कि बिल्कुल ही गला दो, बट इतना सोटे करना है जिससे कि 80% हमारे करेले हो जाए। आप चम्मच से या पलटे से देख सकते हैं। अब यहाँ मेरे करेले डन है, मैंने सारे निकाल लिए हैं ऑयल निकाल निकाल के, ये देखिए। अब ये इतने मेरे करेले ठंडे होंगे तो मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लूँगी। अब मैं इसी पैन में हींग डालूंगी, देन जीरा 1 चम्मच के आसपास मैं इसमें सौंफ डाल दूंगी। अब मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली मसाला वगैरह, सिर्फ प्याज डालूंगी। जैसे ही हल्के से क्रैकल होंगे मैं इसमें अपना ऑनियन डाल दूंगी। यहाँ मेरा पलटा थोड़ा मुझे शूट नहीं कर रहा था वो, तो मैंने ये वाला पलटा ले लिया, बिकॉज़ कुछ ऐसे होते हैं ना स्पैचुला जो हर चीज़ के लिए अलग, वो पराठों के लिए है मेरा। इस पर मेरा हाथ सही सेट बैठ रहा है
और यहाँ मैंने सारी प्याज डाल के उनको अच्छे से मुझे चलाना है। अब मैं इसमें रेगुलर मसाले डालूंगी, थोड़ा सा नमक 1 स्पून के आसपास, 1/2 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून ही देगी लाल मिर्च। अब मैं इसमें कुछ नहीं डालूंगी, कुछ लोग आमचूर पाउडर डालते हैं, कुछ लोग कच्चा आम डालते हैं, बट गाइज रियली मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली, बिकॉज़ मेरे करेले सच में ही कड़वे नहीं बनते हैं, ट्रस्ट मी। आप ऐसे बना के देखिएगा, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया, आजकल मुझे फ्रेश मिल रहा है तो मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी, और मेरी दूसरे गैस पर ना दाल भी बन रही है, तो थोड़ा सा मैं दाल में डाल दूँगी, बिकॉज़ ना ये गीली सब्जी के साथ करेले की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको ना 1 हफ्ते तक खा सकते हो, आप इसको किसी भी डब्बे में डाल के या फिर बर्तन में डाल के रख लीजिएगा, पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए डन है, और बहुत टेस्टी लगती है ये। ये लुक लाइक ना अचार भी है, अचार भी बोल सकते हो आप एक तरह से इसको। अब मैं सारा एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और यहाँ मेरा दूसरा पैन मैंने ले लिया है, इसमें मैं सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालूंगी, बिकॉज़ ऑलरेडी करेलों में ऑयल जा चुका है, तो मैं ज़्यादा तेल नहीं डालूंगी। अब मीडियम गैस पे मैं इसे रख दूंगी। यहाँ मैं अपनी स्टफिंग जो तैयार की थी ना, वो करेले में ऐड करूंगी। ये देखिए मैं इसको हाथ लगा सकती हूँ, और देखिए मैं थोड़ा सा प्रेस करके दिखा रही हूँ नाखून से कि वो कितना कच्चा है और कितना गला हुआ है। अब इस तरह से इसको खोल के ना मैं इसमें सारा मसाला, सारी स्टफिंग भर दूंगी, ये देखिए। और मुझे किसी भी थ्रेड की यहाँ पर नीड नहीं है। कुछ लोग ना करेलों के ऊपर ना धागे बांधते हैं, आपने देखा भी होगा, बट मुझे कभी धागों की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, मेरा एक भी करेला खुलेगा नहीं। आप ध्यान से देखिएगा किस तरह से मैं भर रही हूँ, और इनको दबा दबा के अच्छे से स्टफिंग डालिएगा, कंजूसी ना कीजिएगा यहाँ पर, और देन इसको अच्छे से हाथों की सहायता से हेल्प करके, ये देखिए इस तरह से मैं सारे करेले भर के इस पैन में रख दूंगी। और गैस आपका सिम ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, वरना ये करेले आपके जल भी सकते हैं, ये देखिएगा। और गैस सच में भी बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, आप ज़रूर बना के देखिएगा, पूड़ी के साथ, पराठों के साथ, या चावल के साथ खा सकते हैं आप आराम से, ये देखिएगा। और ये सुंदर भी लगते हैं बहुत। अब ना मैं सारे करेले इसी तरह से भर भर के इस कढ़ाई पैन में डाल दूंगी, ये देखिएगा, और बड़े ही आराम से आप भरिएगा, कोई जल्दी नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, बिकॉज़ मैंने करेलों में पहले भी नमक नहीं डाला था, सिर्फ स्टफिंग में डाला था। मैं करेलों में नमक कभी भी लगा के नहीं रखती हूँ, कुछ लोग लगा के रखते हैं ना, मैं नहीं रखती। अब देखिए किस तरह से मैं अलट पलट रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, मेरा एक भी करेला खुलेगा नहीं, बहुत अच्छे से बनते हैं ये, आप बना के देखिएगा ज़रूर। और बहुत सिंपल और बहुत कम मसाले में आपके करेले डन है। अब मैं यहाँ गैस बंद कर दूँगी, 10 से 12 मिनट में मेरे करेले हो गए थे, और मैं चेक करके दिखाऊंगी गैस, देखिए कितने आराम से इसमें कट लग रहा है, मेरे कोई कच्चे नहीं है ये, बहुत आराम से। मैं हल्के हाथ से इनको दिखा रही हूँ। अब मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, और 1 हफ्ते के लिए आपके लिए पूरे तैयार है। हम तो हमारे घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, बेटा तो बहुत कम खाता है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए 1 हफ्ते के लिए काफ़ी है। आप हर सब्ज़ी के साथ इसे खा सकते हैं, मैं तो रोज़ इसको एक करेले को ले लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप गाइस ज़रूर बना के देखिएगा, और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।